हेलो क्लास 5 स्टूडेंट्स। सो लास्ट टर्न पे हम टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में स्टार्ट किया था। ये कहाँ पे लाई करता है वर्ल्ड मैप में, हमने ये भी देखा था। इनके थोड़े से नाम भी पढ़े थे, अलग अलग कंट्री में जो लाई करते हैं उनका अलग अलग नाम है। जो नॉर्थ अमेरिका में है इन्हें प्रेरीज बोला जाता है, जो यूरोप और सेंट्रल एशिया में स्टीप्स, ठीक है, साउथ अमेरिका में पैम्पस, अफ्रीका में वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है, ठीक है। इन सब के नेमिंग पढ़ लिए थे हमने। फिर उसके बाद कहाँ लाई करता है ये तो पढ़ ही लिया था। कहाँ पे लाई करता है ये, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में। यहाँ के फिर हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर का जो क्लाइमेट होता है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ के क्लाइमेट को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे लोकल हॉट विंड्स को चिनूक बोला जाता है, ठीक है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट ग्रासलैंड लाई करते हैं। फिर उसके बाद हमने सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में भी पढ़ा था। सदर्न हेमिस्फीयर के जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो कोस्टल लाइन के पास लाई करते हैं। कोस्ट के पास मतलब समुद्र या जहाँ पे बहुत पानी होता है, तो उसकी वजह से, ओशियन की वजह से इनमें बहुत ही कूलिंग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसी की वजह से इसका क्लाइमेट, वहां का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, क्योंकि इनकी वजह से कूलिंग इफेक्ट रहता है समुद्र की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उनकी एनुअल प्रेसिपिटेशन पढ़ा था। फिर उसके बाद थोड़ा मॉइस्चर रहता है उनके वहाँ पे, ये भी पढ़ा था। उसके बाद हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, दोनों में प्लांट्स कैसे होते हैं, सीजनल ड्रॉट आती है, और मैमल्स और वहाँ के जो एनिमल्स हैं वहाँ के ग्रास, श्रब्स और ट्रीज को खा जाते हैं, मतलब ट्रीज और श्रब्स वहाँ उग नहीं पाते, ठीक है। वहाँ के अलग अलग फ्लावर्स और ग्रास कौन से थे ये भी पढ़ा था हमने यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, वहाँ के टेम्परेट ग्रासलैंड में रहने वाले कौन से एनिमल्स होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड हैव एन अबंडेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ बट देयर इज नॉट मच वैरायटी। तो वहाँ पे कई तरीके के अबंडेंस, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत तरीके के रहते तो है पर इतनी वाइल्ड लाइफ नहीं है, मतलब हर कैटेगरी की नहीं है जितनी आपकी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में होती थी। इन द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डोमिनेंट ग्रेजिंग एनिमल्स आर बिसंस एंड ग्रीजली बियर्स, ठीक है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थे वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बिसंस और ग्रीजली बियर्स है। रोडेंट्स इंक्लूड पॉकेट गोफर्स एंड प्रेरीज डॉग्स। कार्निवोरस इंक्लूड वोल्स, कोयोट्स, जैक रैबिट्स, स्विफ्ट फॉक्सेस। बर्ड्स इंक्लूड मीडोस, लार्क्स, क्वेल्स, स्पैरोस, हॉक्स एंड आउस। तो वहाँ के जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो ये होते हैं, और बर्ड्स जो होती हैं वो ये सब होती हैं, ठीक है। तो इन द ग्रासलैंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे कौन कौन से, किस टाइप के पाए जाते हैं एनिमल्स वो देखते हैं। लामास एंड एनाकोंडाज आर फाउंड। द एनिमल लाइफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्पेशल। ऑस्ट्रेलिया इज अ होम ऑफ कैंगारूज, वालाबीज एंड कोलास, ठीक है। तो आपने ये सब ऑस्ट्रेलिया के ये एनिमल्स के बारे में तो सुना ही होगा। कैंगारूज तो वहाँ का नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का, और कोलास बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आपको अभी ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर भी लगी थी स्टूडेंट्स, इन द मंथ ऑफ आई थिंक स्टार्टिंग में लगी थी 2020 के जनवरी या फेब में, ठीक है। तो वहाँ पे कितनी सारी पिक्चर्स आई थी आपने अगर देखी हो तो न्यूज़ वगैरह में भी, कि एनिमल्स को कितना नुकसान हुआ, कितने एनिमल्स की डेथ हुई वहाँ पे। कंगारू और कोला वियर फॉरेस्ट में से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट टेम्परेट ग्रासलैंड, फॉर एग्जाम्पल द स्वालो। दिस जोन इज होम फॉर वाइल्ड हॉर्सेज एंड डियर्स। Some small animals like squirrel and hedgehogs
are also found here and they hibernate during winter. तो ये क्या होता है, जब सीजन चेंज होता है तब क्या कहते हैं, एनिमल्स थोड़ा हाइबरनेशन पे जाते हैं। अगर आपको हाइबरनेट का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, हाइबरनेट होता है जब एक एनिमल लंबे समय के लिए कहीं अपने होम में या कहीं छिप के बैठ जाता है और बाहर नहीं निकलता, तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन पे जब वो जाता है तो वो अपने साथ 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ तक का फूड जमा कर लेता है, जिससे कि उसकी लाइफ बिना बाहर निकले भी चले जाए। ठीक है, पोलर बियर होते हैं जैसे, वो अंटार्कटिका रीजन और कहाँ कहाँ जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो हाइबरनेशन पे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हेडजॉग्स की क्या होता है, जब विंटर का टाइम होता है, ठंड आ जाती है, तो ये लोग अपने बिल में या घरों में घुस जाते हैं, अपना खाना वाना स्टोर कर लेते हैं और अपनी बॉडी में ऐसे फैट को भी स्टोर करके रखते हैं, जिससे धीरे धीरे वो अपना फैट को यूज़ करें और अपनी बॉडी का जो काम चलता रहता है उनका, और वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक हाइबरनेशन पे रह लेते हैं। टू हाइबरनेट मीन्स टू स्लीप थ्रू इंस्टेड ऑफ हंटिंग फॉर फूड। तो आप ये देख सकते हैं कि हाइबरनेट मतलब सोना या एक जगह रहना बिना हंटिंग ऑफ फूड, बाहर निकले बिना बाहर निकले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे लोग रहते हैं तो उनके पीपल की लाइफ कैसी है जो टेम्परेट ग्रासलैंड के एरियाज में रहते हैं। ओके, देयर आर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इन दिस ग्रासलैंड। द सॉइल इन द टेम्परेट ग्रासलैंड इज रिच इन न्यूट्रिएंट। जो सॉइल होती है टेम्परेट ग्रासलैंड में वो न्यूट्रिएंट से रिच होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, विटामिन हो गया आपका, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सॉइल में प्रेजेंट होता है। द वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल सॉइल आर इन द ईस्टर्न प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो मोस्ट फर्टाइल, जो सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है खेती के लिए या उपजाऊ जो होती है, जहाँ पे अच्छा आप ट्रीज वगैरह ग्रो कर सकते हैं या कुछ जो भी आपको ग्रो करना है वो ग्रो कर सकते हैं, तो आर सॉइल इन द ईस्टर्न प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका में है, द पैम्पस ऑफ साउथ अमेरिका एंड द स्टीप्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। तो इधर की सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है। एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द पीपल। क्रॉप सच एज वीट, बार्ले, राय, ओट एंड फ्लैक्स आर ग्रोन इन दिस रीजन। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं। द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर इज एक्सटेंसिवली लार्ज स्केल एंड हाईली मैकेनाइज। मतलब जो एग्रीकल्चर का काम होता है बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है और मैकेनाइज मतलब मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब लार्ज हार्वेस्टिंग मशीन्स आर कॉल्ड कंबाइंड हार्वेस्टर आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। वीट इज ऑल्सो ग्रोन इन रशिया, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो वीट है वो रशिया में भी उगाई जाती है, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया में भी उगाई जाती है। ठीक है, लाइव स्टॉक रांचिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द ग्रासलैंड। तो लाइव स्टॉक रांचिंग क्या होता है, लाइव स्टॉक तो सबसे पहले स्टूडेंट्स वो लाइव स्टॉक का मीनिंग ये होता है जो एनिमल को हम फार्म पे रखते हैं, जैसे कि काउज और शीप, हैन और हो गई आपकी जो ये, ठीक है, चिकन वगैरह हो गए। ठीक है, तो इनके रांच एक्टिविटी की जाती है, पढ़ते हैं रांच एक्टिविटी। रांच इज अ लार्ज फार्म स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वेयर काउज, हॉर्सेस, शीप एक्सेट्रा आर ब्रेड। ठीक है, तो इनको ब्रेड किया जाता है। स्पेशल ग्रासेस लाइक अल्फाल्फा एंड क्लोवर आर ग्रोन टू फेड द एनिमल्स। काउबॉयज ऑन हॉर्सेस गो अराउंड द रांचेस टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ स्टॉक। तो इनको ब्रीड किया जाता है पहले एनिमल्स को और इनसे फिर इनका यूज लिया जाता है। एक तो ये काउज मिल्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, शीप वूल, ठीक है, तो इन सब एनिमल्स का यूज भी करते हैं कि वो अलग अलग चीजों में फीड भी करते हैं हमें। ठीक है, द काउबॉयज आर पॉपुलर इन नॉर्थ अमेरिका। द लार्ज कैटल फार्म ऑफ साउथ अमेरिका आर नोन एज एस्टेंसिया एंड द काउबॉयज आर नोन एज ग्वाचोस। द
cowboys are very skilled horsemen. Currently, Argentina is one of the leading exporter of meat, leather item in the world. तो क्या है स्टूडेंट्स की जो इन एनिमल्स का कई बार मीट में भी यूज होता है, तो अर्जेंटीना एक करेंट लीडिंग एक्सपोर्टर है मीट का और लेदर प्रोडक्ट का. जो लेदर आइटम बनते हैं वो एनिमल्स की स्किन की वजह से हेल्प से बनते हैं स्टूडेंट्स. देयर आर सम नोमैडिक ट्राइब स्टिल फाउंड इन द ग्रासलैंड. तो जो नोमैडिक ट्राइब जैसे इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट या इक्विटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं आप उसमें मिलती हैं, वैसी कुछ नोमैडिक ट्राइब्स टेम्परेट ग्रासलैंड में भी स्टूडेंट्स मिलती हैं. ठीक है, द मेन एक्टिविटी इज नोमैडिक हर्डिंग. तो ये नोमैडिक हर्डिंग करते हैं. द किर्गिस ट्राइब ऑफ द स्टीप्स एंड द हॉटेंटोज ऑफ साउथ अफ्रीका रियर कैटल गोट एंड शीप. लॉन्ग बैक अमेरिकन इंडियंस वर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका बट ओवर द ईयर दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी. तो बहुत पहले अमेरिकन इंडियंस जो लोग जो इंडियंस है और अमेरिका में रहते थे नॉर्थ अमेरिका में, अब वो मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी के अब पार्ट हो गए हैं. तो पहले वो इंडियन अमेरिकन लोग थे, अब वो अमेरिकन लगभग बन चुके हैं. थ्रेट्स टू द टेम्परेट ग्रासलैंड. तो अब हम थ्रेट्स टू टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे. वन ऑफ द मेन एनवायरमेंटल थ्रेट्स टू द टेम्परेट ग्रासलैंड इज रैपिड कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड. तो जो रैपिड कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड मतलब ओन अपने पर्पस के लिए जब फार्म बना लेते हैं लोग तो उसमें अपने अपना एग्रीकल्चर करते हैं और मतलब अपना कॉमर्शियल यूज के लिए उसको कन्वर्ट करके और यूज करने लगते हैं. Since the development of the steel plow, much of these grasslands have been converted to agricultural land because of their rich soil. तो इनकी जो soil rich होती है इसी वजह से इन सबको agricultural land में convert करते जा रहे हैं लोग धीरे धीरे. इस पर अपना earn करने के लिए अपने हिसाब से वो crops वगैरह grow करते हैं. About 47% of the temperate grassland have been converted into agricultural land or for urban development. अर्बन डेवलपमेंट मतलब सिटीज वगैरह के डेवलपमेंट के लिए उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर एग्रीकल्चर के यूज में ले लिया गया है. इंस्टेड ऑफ नेटिव ग्रासेस नाउ ग्रासलैंड सप्लाई कॉर्न्स वीट्स एंड जो नेटिव ग्रासेस वहां की प्रोवाइड उगनी चाहिए वहां ग्रासलैंड पे वो तो स्टूडेंट्स अब कम उगती हैं, पर उसकी जगह कॉर्न्स वीट्स एंड अदर ग्रेन्स एज वेल एज ग्रेजिंग एरिया फॉर शीप एंड कैटल. तो वहां पे ऐसी चीजें ज्यादा उगाई जा रही हैं. The food supplied by the farmland is important, but this unique natural region called temperate grassland, its plants and the animals that live in it's equally important. तो ये जो grassland है वहाँ के animal और वहाँ के plant के लिए equally important है. ठीक है, तो यहाँ threats मतलब यही एक खतरा है जो लोग वहाँ पे अपना purpose के लिए agriculture करने लगे हैं और थोड़ा उसका जो main use होना चाहिए उसे जो चीज वहां पे होनी चाहिए प्रेजेंट में जैसे एनिमल्स और उस हिसाब से जो नेटिव ग्रासेस होनी चाहिए वो उनका रेशियो दिन पर दिन घटता जा रहा है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ है. ओके, सो अब आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जो मैं आपको वीडियो में ही करा देता हूँ. सो अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. So students, let's start with the exercise. In the northern hemisphere, the grasslands are in dash of the continents. तो जो northern hemisphere में grassland होती है students, वो interior area में lie करती है. इधर कहीं ये रहा, interior of the continent में होती है. Southern में होती है, coastal area के पास. The climate is moderate in grassland of dash hemisphere. तो क्लाइमेट मॉडरेट किस में होता है ये भी हमने पढ़ा है. क्लाइमेट मॉडरेट होता है इन सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, क्लाइमेट इज मॉडरेट, यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ हुआ है. तो इसका आंसर क्या होगा, सदर्न. इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका द ग्रासेस ग्रोन वेरी. अब जो प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका है उसमें ग्रासेस कैसे ग्रो होती है ये भी हमने पढ़ा था. टॉल ग्रो होती है. ये कहाँ है ये तो मुझे याद है, वेट करिए अभी एक मिनट.
हाँ, इन प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका द ग्रासेस आर ग्रोन वेरी टॉल. देखिए ये रहा, ठीक है. नेक्स्ट है, नोमैडिक ट्राइब्स आर एंगेज इन डैश एक्सटेंसिव फार्मिंग या नोमैडिक हर्डिंग. तो ये भी हमने पढ़ा था. तो नोमैडिक ट्राइब्स किसमें एंगेज रहती है? नोमैडिक हर्डिंग करने में. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग. तो इनके लिए, फॉलोइंग के लिए हमें वन वर्ड आंसर देने हैं. तो पहला क्या है, अ लोकल हॉट विंड इन द प्रेरीज. ये हमने पढ़ा है, मैंने आपको दो बार तीन बार रिवाइज करा दिया. चिनू समटाइम्स लोकल हॉट विंड चिरू इन द प्रेरीज. इसका आंसर क्या आएगा? चिनू. हॉर्समैन हु गार्ड कैटल इन रांच. तो इन्हें क्या कहते हैं? हॉर्स बॉय को काउ बॉयज बोलते हैं. ठीक है, काउ बॉयज. नेक्स्ट है हमारा, लार्ज कैटल फार्म्स ऑफ साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका में लार्ज कैटल फार्म्स है, उनके बारे में भी हमने अभी पढ़ा था. गेरा, द लार्ज कैटल फार्म्स ऑफ साउथ अमेरिका नोन है एस्टांसिया. नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ द स्टीपर्स. तो इसके बारे में हमने भी पढ़ा था. अभी किर्गिस ट्राइब इज द स्टीपर एंड द, ये आपको थोड़ा बहुत हल्का हल्का इतना याद करने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए. ठीक है, तो किर्गिस नाम है स्टीपर्स. स्टीप्स में जो नोमैडिक ट्राइब्स है, वहां की नोमैडिक ट्राइब का नाम क्या है? किर्गिस. किर्गिस ट्राइब्स ऑफ स्टीप्स. राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट. द क्लाइमेट ऑफ द ग्रासलैंड्स इज सेम इन बोथ द हेमिस्फीयर. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा? फॉल्स. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों का क्लाइमेट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट ग्रासलैंड का क्लाइमेट अलग अलग होता है. अल्फा अल्फा इज द नेम ऑफ एन एनिमल. तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स क्या आएगा? फॉल्स. ये किसका नाम था? वहां की ग्रास का नाम था, हमने प्लांट में पढ़ा था ये. देखिए प्लांट्स में अल्फा इज द मोस्ट कॉमन ग्रास. ग्रासेस आर द मेन वेजिटेशन ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड. तो जो ग्रासेस है वो मेन वेजिटेशन है. ट्रू, आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये सबसे ज्यादा ग्रो होती है. ग्रासलैंड है फर्टाइल सॉइल. तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ट्रू. ये हमने आज ही पढ़ा है, जो ग्रासलैंड सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है टेम्परेट ग्रासलैंड की. मैच द टू कॉलम. तो हमें कॉलम को मैच करना है. प्रेरीज, तो ये प्रेरीज कहाँ पे है हमारी? ये हमें पता है, ये नॉर्थ अमेरिका में होती है. यहाँ पे हम देख चुके हैं प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका या प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इसका क्या आएगा? ए, फिफ्थ नॉर्थ अमेरिका. तो स्टीप्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन, रशिया एंड सेंट्रल एशिया. तो इसमें क्या आएगा? रशिया आ जाएगा. तो इसका क्या होगा? बी. नेक्स्ट है पेम्पास ऑफ साउथ अमेरिका. तो इसका क्या होगा? साउथ अमेरिका. तो सी. वेल्ड्स, तो वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका. तो स्टूडेंट्स इसका क्या होगा? डी. एंड द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो इसका क्या होगा? ई, ऑस्ट्रेलिया. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा, ग्रास ग्रोन स्पेशली फॉर कैटल इन द ग्रास वेल्ट इज कॉल्ड बफेलो ग्रास. नहीं. इंडिगो, नो. अल्फा अल्फा, तो इसका आंसर क्या होगा? अल्फा अल्फा. नेक्स्ट है द काउबॉयज राइड ऑन. तो जो काउबॉयज हैं किस पे राइड करते हैं? हॉर्सेस पे. ठीक है, बोला काउबॉयज जाता है, पर काउबॉयज ऑन हॉर्सेस गो अराउंड ऑन द रांचेस. तो मतलब किस पे राइड करते हैं ये? हॉर्सेस पे. कंबाइंड हार्वेस्टर आर यूज टू. तो ये किस लिए यूज होता है हमारा? हार्वेस्ट क्रॉप. हमें क्रॉप को हार्वेस्ट करने में ये यूज होता है. कंबाइंड हार्वेस्ट आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा, द काउबॉयज इन साउथ अमेरिका आर कॉल्ड. जो काउबॉयज है साउथ अमेरिका, हम उन्हें कहते हैं गाउचोस. ये भी हमने पढ़ा था. कहाँ है ये रहा. Are known as, and the cowboys are known as gauchos. तो वहाँ की जो cowboys है उनको gauchos बोला जाता है. So students, यहाँ पे आपका ये exercise भी finish हुई. Next आपको question answer
मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू।